हाय, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। एक पैन में तेल गरम कर लिए हैं, इसमें जीरा डालें। जीरा भून लेंगे, फिर आलू डालेंगे। आलू डालकर 1 मिनट भून लेंगे। आलू भून लिए हैं, अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालकर भून लिए हैं, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। बड़े बड़े टुकड़े में काट कर रखे थे, उसे डालकर भून लेंगे। अब हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे इसमें। इसे भून लेंगे। इसे हम ढक्कन लगाकर पकने के लिए रखे थे। इसे हम चेक कर लिए हैं। इसे फिर से ढक्कन लगाकर रखेंगे। इसे चेक कर लिए हैं। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर डालकर भून लेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हल्दी डालकर भून लिए हैं। अब इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। लहसुन भून लेंगे अच्छे से। इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर और जीरा, सौंफ का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारे सूखे मसाले डालकर इसे भून लेंगे। इसे हम पानी नहीं डालेंगे, इसे सूखा ही बनाएंगे। मसाले भी भून लिए हैं अच्छे से। आलू को चेक कर लेते हैं। आलू सॉफ्ट हो गया है। सब्जी हमारी तैयार हो गया है। इसमें हम हरी धनिया पत्ती डालेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय।